नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं आपके साथ युधिष्ठिर उपाध्याय। जहां एक तरफ सीएम योगी ने यूपी से माफिया और गुंडा राज को खत्म करने का संकल्प ले लिया है और लगातार अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है, तो वहीं अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी योगी सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए कुख्यात माफिया और बदमाशों के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है, जिसने सूबे के अपराधियों के बीच हड़कंप मचा दिया है। जहां प्रशासन ने 8 नवंबर को इंदौर शहर से सटे जम्बूडी अपसी गांव में सरकारी जमीन पर बने कंप्यूटर बाबा के अवैध आश्रम को ढा दिया और पुलिस ने बाबा सहित 7 लोगों को जेल भेज दिया है। इसके अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ भोपाल के इकबाल मैदान में हजारों मुसलमानों को इकट्ठा करके इस्लामी जहर उगलने वाले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए शिवराज सरकार ने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवाकर उन्हें ध्वस्त करा दिया है। माफिया और अपराधियों के खिलाफ इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अब इंदौर पुलिस ने शहर के स्ट्रीशीटर और शातिर बदमाश साजिद चंदवाला के अवैध कब्जों को गिरा दिया है। दरअसल माफिया साजिद चंदवाला ने रानीपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से 3 दुकानों और एक मकान पर कब्जा करके रखा था, जहां से वो कई अवैध गतिविधियों को संचालित करता था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने रानीपुरा क्षेत्र में बनी इन दुकानों और मकान को जेसीबी से गिरवा दिया। उसके अवैध निर्माणों को जमींदोज करने की कार्रवाई 10 महीने पहले भी हुई थी, तब उसने मकान और दुकान पर कब्जा कर उसे खाली करने के एवज में पीड़ित से 40 लाख रुपए की मांग की थी। इतना ही नहीं, उसने मकान मालिक को धमकाया भी था। तब पुलिस ने खातीवाला टैंक निवासी पीड़ित की शिकायत पर चंदवाला के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पीड़ित ने पुलिस को बताया था कि उनका रानीपुरा के पत्ती बाजार में पुश्तैनी मकान है, उसी में 2 दुकानें भी हैं जिन पर चंदनवाला ने कब्जा कर रखा है। दुकानों का किराया भी वसूला था। जब भी उसे मकान और दुकान खाली करने को कहा तो वो धमकाते हुए 40 लाख रुपए मांगता है। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी देता। पीड़ित लोग तत्कालीन एसएसपी रुचि वर्धन मिश्र के पास पहुंचे तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनके पास चंदनवाला के अवैध कब्जों की पूरी लिस्ट है। दरअसल बदमाश साजिद चंदनवाला के खिलाफ 40 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो एनएसए और जिला बदर जैसी बड़ी धाराओं में जेल जा चुका है। साजिद ने शहर में करोड़ों की सरकारी जमीन और लोगों की दुकानों पर कब्जा करके रखा है। उसके खिलाफ शहर के लगभग सभी थानों में कोई ना कोई मामला दर्ज था। ऐसे में पुलिस ने साजिद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की है। पुलिस का कहना है कि साजिद के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। शहर में जहां जहां उसने अवैध कब्जा किया है वहां से उन्हें हटाने की कार्रवाई चलती रहेगी। शहर के सभी बदमाशों का रिकॉर्ड बना लिया गया है और सभी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। यानी कि साफे की मामा के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अब ठान लिया है कि जैसे सीएम योगी ने यूपी में कुख्यात माफिया और अपराधियों की कमर तोड़कर रख दी है, वैसे ही अब मध्य प्रदेश के अंदर वो ताबड़तोड़ कार्रवाई करके सूबे को गुंडा राज से मुक्त बनाएंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।